Hey guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro डिवाइस का इंडियन वेरिएंट के फुल स्पेसिफिकेशन। इंडियन लॉन्चिंग डेट आपको शायद पता ही होगा, उसके साथ साथ कौन सा प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कौन सा रैम और रम वेरिएंट में आएगा, और चाइनीज वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर आप Redmi Note 13 Pro डिवाइस का परचेस करना चाहते हो या फिर आप उस डिवाइस के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पे तरफ। दोस्तों सबसे पहले लुक और डिजाइन, Redmi Note 13 Pro डिवाइस का जो लुक और डिजाइन आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पर आपको तीन कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू और एक आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, और पीछे में आपको ग्लास बैक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। Redmi Note 13 Pro डिवाइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, और ये जो डिस्प्ले होने वाला है इसका साइज 6.7 इंच का, और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 10 बिट रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है। 1200 का पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के साथ, मतलब कंटेंट वाचिंग और आउटडोर विजिबिलिटी आपको बहुत ही मस्त होने वाला है Redmi Note 13 Pro डिवाइस का डिस्प्ले के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस, जो एक डिवाइस का जान होता है, तो इस बार आपको Redmi Note 13 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, और ये जो प्रोसेसर है 4mm टेक्नोलॉजी पर बेस है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इस चिपसेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। Redmi Note 13 Pro डिवाइस में पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो मेन सेंसर है वो आपको 200 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों और भी आपको दो सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस भी देखने को मिल जाएगा, और विथ वॉइस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप वो मैक्सिमम 4K 30fps में आप वीडियो शूट आउट कर सकते हो। दोस्तों सामने में आपको मिडिल पांचोल के साथ 16 मेगापिक्सल एक सेल्फी कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको मैक्सिमम 1080 60fps में आप वीडियो शूट आउट कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चार्जिंग की तरफ। Redmi Note 13 Pro में आपको 5mAh का एक बड़ा सा बिग बैटरी देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स 67W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बड़ा बैटरी फास्ट चार्जर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही बेहतरीन दिया जा रहा है Redmi Note 13 Pro डिवाइस के साथ। दोस्तों उसके साथ साथ Redmi Note 13 Pro में आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको NFC का सपोर्ट भी दिया जा रहा है, आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब आप जो भी चाहते हो Redmi Note 13 Pro में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन। चाइनीज मार्केट में Redmi Note 13 Pro एंड्रॉइड 13 MIUI 13.5 के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडियन मार्केट में शायद HyperOS के साथ आएगा एंड्रॉइड 14 में, तो इसके बारे में अभी तक कंफर्म ऑफिशियली न्यूज नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लीक आया है ये जो डिवाइस है HyperOS के साथ आने वाला है इंडियन मार्केट में। और अभी आता है रेम और रोम, ये जो डिवाइस है इंडियन मार्केट में इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है 8128, और इसका जो प्राइस 20,000 से 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये जो डिवाइस है इसी प्राइस पे इंडियन मार्केट में आकर लॉन्च हो जाता है 22,000 to 21,000 के आसपास, तो बहुत ही बेहतरीन डिवाइस होने वाला है। तो आपको ये डिवाइस कैसा लगा, इसका स्पेसिफिकेशन, इंडियन प्राइस, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मजबूत सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल में मिलता रहता है। तो गाइस चाहो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय।